She began, "Do you know the way out of the pool? I am very tired of swimming around here." वो क्या सोचती है, वो सोचती है क्या मैं माउस से बात करूं। फिर वो सोचने के बाद माउस से कहती है, ओ माउस, शी बिगेन, डू यू नो द वे आउट ऑफ द पूल। वो माउस से पूछती है क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्विमिंग कर करके थक चुकी हूँ। द माउस डिड नॉट से एनीथिंग, परहैप इट डजेंट स्पीक इंग्लिश, थॉट एलाइस, परहैप इट इज अ फ्रेंच माउस। अब उसने जब माउस से बात की तो माउस ने कुछ भी नहीं कहा, तो वो सोचती है कि हो सकता है कि माउस जो है वो फ्रेंच बोलता हो, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती हो, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज होती है। एलाइस ओनली न्यू वन वर्ड इन फ्रेंच, इट वॉज अ वर्ड फॉर कैट, शी ट्राइड सेइंग दैट। अब उसको जो है वो फ्रेंच नहीं आती थी एलाइस को, बल्कि सिर्फ एक वर्ड आता था, वो था कैट। तो वो सोचती कि मैं इससे ये वर्ड बोल के देती हूँ। व्हेन शी सेड दिस द माउस वॉज वेरी, ओ आई एम सॉरी, सेड एलाइस इन इंग्लिश, आई फॉरगॉट दैट यू डिड नॉट लाइक कैट्स। अब जब उसने एलाइस ने कैट का नाम दिया फ्रेंच में, तो वो माउस जो है वो डर गया, और वो डर के एकदम से उसने छलांग लगाई पानी में से। तो क्या हुआ कि वो क्या कहता है, एलाइस जो है वो उससे सॉरी करती है और कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम जो है तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है। वुड यू लाइक कैट्स इफ यू वर अ माउस, रिप्लाइड द माउस, इट स्पोक इन इंग्लिश टू। अब माउस ने भी क्या किया, इंग्लिश में बात की, और उसने इंग्लिश में बोला कि क्या अगर तुम, एलाइस से पूछते अगर तुम माउस होती तो क्या तुम्हें कैट अच्छी लगती। वेल परहैप्स नॉट, सेड एलाइस। एलाइस ने कहा हो सकता है नहीं, बट डोंट बी एंग्री, आई विश आई कुड शो यू आर कैट, आई थिंक यू वुड लाइक हर, हर नेम इज डायना, शी इज वेरी नाइस टू टच एंड शी इज वेरी गुड एट कैचिंग माइस। ओ आई एम सॉरी, एलाइस सेड क्विकली, वी वॉन्ट टॉक अबाउट हर अगेन। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कैट से मिलवाऊंगी, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, उसको हाथ लगाओ तो वो कुछ भी नहीं कहती, तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। फिर एकदम उसको ख्याल आता है कि नहीं माँ, उसको बुरा लग रहा होता है, तो वो उससे कहती है, वो उससे क्या कहती है, उसको उससे कहती है कि जो मेरी कैट है ना, वो माइस को पकड़ने में बहुत तेज है, वो पकड़ लेती है, बहुत अच्छी है। तो वो एकदम से वो घबरा जाती है कि माउस को तो डर लगेगा। फिर वो माउस से सॉरी करती है, कहती है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नो वी वॉन्ट, सेड द माउस, आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट इट वॉज शेकिंग राइट डाउन टू द एंड ऑफ इट्स टेल, आर फैमिली ऑलवेज हेटेड कैट्स, प्लीज डोंट लेट मी हेयर द नेम कैट अगेन। माउस से क्या कहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली जो है कैट से बहुत डरते हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम कैट का नाम भी नहीं लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, इट इज स्ट्रेंज एनिमल्स। ओ नो आई वॉन्ट, सेड एलाइस, बिकॉज नाउ शी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, डू यू लाइक डॉग्स। अब क्या करती है एलाइस, सोचती है कि कैट्स के नहीं किसी और के बारे में बात करते हैं, वो कैट्स के बजाय डॉग के बारे में बात करती है, और माउस से पूछती है कि तुम्हें डॉग्स पसंद है। नाउ लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 8। माउस डिड नॉट आंसर, बट एलाइस वेंट ऑन, देयर इज अ वेरी नाइस लिटिल डॉग नियर आवर हाउस, ही हैज बिग ब्राउन आईज, इफ यू थ्रो थिंग्स टू हिम ही पिक्स देम अप एंड ब्रिंग्स देम बैक टू यू, ही बिलोंग्स टू अ फार्मर, द फार्मर सेज ही इज वेरी यूजफुल, ही किल्स ऑल द रैट्स एंड ओ डियर, सेड एलाइस। नाउ अब क्या होता है कि वो उसको डॉग के बारे में बताने लगती है, डॉग जो है वो उसको कोई जवाब नहीं देता कि उसको डॉग्स अच्छे लगते हैं नहीं, लेकिन एलाइस जो खुद से स्टोरी सुनाने लग जाती है कि हमारे घर के पास एक डॉग रहता है जो कि एक फार्मर का है, और फार्मर ने उसको इसलिए रखा हुआ है कि अगर उसकी फील्ड के पास कोई रैट्स आएंगे तो वो उनको खा जाएगा। एलाइस एकदम से सोचती है मैंने क्या बोल दिया, उससे कहती ओ डियर, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। बट इट वॉज टू लेट, द माउस वॉज स्विमिंग अवे फ्रॉम हर एज फास्ट एज इट कुड। अब क्या हुआ कि माउस जो है वो लेकिन बहुत देर हो गई थी, लेकिन माउस जो है वो क्या हुआ, वो वहां से बहुत दूर स्विमिंग करता हुआ चला गया। शी कॉल्ड सॉफ्टली आफ्टर इट, माउस डियर डू कम बैक अगेन, वी वॉन्ट टॉक अबाउट कैट्स और डॉग इफ यू डोंट लाइक दैम। वेन द माउस हर्ड दिस, इट स्वैम स्लोली बैक टू हर, इट्स फेस वॉज क्वाइट वाइट, इन अ लो क्वाइट वॉइस एंड इट सेड, लेट अस स्विम टू द लैंड। वो क्या करते हैं जब वो फिर जब एलाइस को याद आता है कि उसने गलत किया है, तो वो माउस से कहती है कि ठीक है अब हम जो है इसके बाकी सी क्वार्टर डॉग के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये सुन के माउस है वो उसकी तरफ दोबारा चला जाता है। माउस सी वो टैप उससे कहते हैं कि चलो हम स्विमिंग करते हुए लैंड की तरफ जाते हैं। नाउ इट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
That is a good idea, thought Alice. The pool was getting quite crowded. Four birds, a duck, a dodo, a parrot, and a small eagle were swimming close to her. There were some other strange animals near her too. Alice went first. The animals swam after her until they all got to dry land. अब क्या हुआ कि वो ये अलाइस कहती है तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, और ये सुनने के बाद जब उसने स्विमिंग करना स्टार्ट करती है, वो स्विमिंग करती है तो स्कूल के अंदर और स्ट्रेंज बर्ड्स आ जाते हैं. आपने यू कैन सी हियर हियर आर फोर बर्ड्स, डक, डोडो, पैरट्स एंड ईगल. तो फिर क्या होता है कि वो साथ मिलके स्विमिंग करने लग जाते हैं जब तक एक ड्राई लैंड नहीं आ जाती. सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज पार्ट ऑफ दिस नॉवेल. Now we'll continue the next part in the next class. Until that, I'm stopping this novel here. We'll continue it soon, inshallah. Now take care of yourselves. Read this part out by yourself. Underline the difficult words and find out the meaning of those words. So that's all. I'm ending. Take care of yourselves. Allah Hafiz.